आज इंडिया की अगर हम सिर्फ बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरा बस एक ही फोकस है, रांची का डेवलपमेंट। यशस्विनी सहाय, चौंकाने वाला नाम, चौंकाने वाला चेहरा, पर इस नाम और इस चेहरे के पीछे एक बड़ा नाम और एक बड़ा चेहरा जुड़ा हुआ है, सुबोध कांत सहाय का। कांग्रेस ने रांची लोकसभा सीट से यशस्विनी सहाय को ही प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार बनाया है, युवा चेहरा, नया चेहरा। यशस्विनी जी, आपको टिकट मिलने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई। थैंक यू, बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब मुझे बहुत बधाई दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझ पे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपना पूरा एफर्ट और डेडिकेशन डालना चाहती हूँ। मेरा बस वही अभी मिशन है। पढ़ा लिखा युवा चेहरा, राजनीति में आने से पहले बाहर विदेश तक में भी आप लोगों ने पढ़ाई की है, और कल जिस मंच पे आप थी और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के उनसे भी मिल रहे थे, सुनीता केजरीवाल उसी मंच पे कह रही थी राजनीति बड़ी गंदी चीज है, राजनीति बड़ी खराब चीज है, फिर भी पढ़े हुए युवा चेहरे अगर राजनीति की तरफ आ रहे हैं तो उसके पीछे का कुछ तो वजह होगी। देखिए, ये एक जनरल कॉन्वर्जेशन तो रहा है कोई भी एक यंग पर्सन के लिए कि राजनीति एक, उसमें एक उसके चैलेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं हमें सब कहा जाता है कि एक प्रोफेशनल अल्टरनेटिव लीजिए, आप पढ़ाई लिखाई करिए और एक जॉब ढूंढिए। बट एक्चुअली में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज लोग पढ़ लिख कर उनके पास तो भी जॉब नहीं है। आज इंडिया की अगर हम सिर्फ बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर पढ़ाई लिखाई के बाद भी, डिग्री मिलने के बाद भी आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होगा कि किसी को तो बाहर निकल के ये बात उठानी पड़ेगी ना। तो मैं उसी दिशा में अपना कदम उठा रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मैं एक यंग इंसान हूँ, मैं एक युवा हूँ, और मेरे भी जो चैलेंजेस रहे हैं वो शायद हर एक युवा ने भी फेस किया होगा अपने तरीके से, तो उसमें मैं काम करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं यही, बस इसी दिशा में अभी देखिए मैं क्या करती हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। सुबोध कांत सहाय जी का राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है और बड़ी समझ सूझबूझ भी रखते हैं, और आपको जब वैसे दौर में टिकट मिला है जब बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक भी लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप इस नारे के खिलाफ कैसे मजबूती से मैदान में उतरेंगी? देखिए, ये उनका नारा है, मुझे किसी के खिलाफ नहीं जाना है, मुझे अपनी बातें रखनी है और मेरा बस एक ही फोकस है, रांची का डेवलपमेंट। रांची एक राजधानी है और उसे राजधानी की क्वालिटीज दिखानी चाहिए। रांची में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई, लोगों की नौकरियों की प्रॉब्लम हो गई, मैं बस इन मुद्दों पर ही बात करने वाली हूँ, किसी और के नारे के बारे में मैं क्या बोलूँ। अच्छा, आपसे एक सवाल लगता है जो पूछा जाना चाहिए, आपके खिलाफ संजय सेठ जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछली बार बड़े मार्जिन से उनकी जीत हुई थी और सुबोध कांत जी को उन्होंने हराया था, इस बार क्या बेटी अपने पिता का बदला लेने के लिए मैदान में पूरी जोर लगाने को तैयार है? देखिए, पिता का बदला तो नहीं कह सकती, पर रांची के विकास के लिए मैं आई हूँ और मैं यहाँ की जनता के विकास के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ के लोगों से जुड़ना है, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, उनके इश्यूज को सॉल्व करना है। अगर वो पिछली बार सांसद रह चुके हैं, लोगों ने उन पर विश्वास दिखाया है, तो क्या वो खरे उतरे हैं, लोग और जनता ये डिसाइड करेंगे। सवाल तो यह है, वो भी विकास की ही बात कर रहे हैं, वो ECHEC की बात कर रहे हैं, पूरे रांची लोकसभा में अपने गिनाए हुए काम सब कुछ को सामने रख रहे हैं, तो यशस्विनी कैसे उनका मुकाबला करेंगी? देखिए, मैं उनका, वही बात है कि मैं उनका मुकाबला नहीं करूंगी, मैं अपनी बात यहाँ रखूंगी। लोगों को अगर मुझ पर विश्वास होगा, उनको मेरे विजन की समझ होगी, मेरा विजन ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो वो है रांची का डेवलपमेंट, यहाँ की महिलाओं का डेवलपमेंट, महिलाओं की एम्पावरमेंट, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, उनके पास उनकी खुद की वेतन हो, तनख्वाह हो, ताकि उनको किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को रोजगार देना, सरकारी नौकरी में जो युवा रोजगार चाहते तो उनकी वैकेंसीज को फिल करवाना, ये राहुल गांधी जी के न्याय पत्र में भी लिखा हुआ है कि 30 लाख वैकेंसीज भरवाएंगे। फिर युवाओं के राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात भी उनके न्याय पत्र में लिखी है कि आपको ना कि सिर्फ रोजगार मिलेगा बट उसके साथ आपको आपकी तनख्वाह भी मिलेगी, और फिर महालक्ष्मी स्कीम भी है जो महिलाओं के लिए है, तो ये एक बात हो गई। और बाकी के भी जो लोग हैं रांची में, उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं रांची से, देखिए बात करने के लिए तो हम आगे बढ़ चुके हैं और लोग यही कहेंगे कि हाँ हमारा GDP भी बढ़ गया है पेपर पे, डेफिनेटली, बट हम एक अमीर देश तो बन रहे हैं पर हमारे लोग क्यों गरीब हैं, ये सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? एक सवाल और जो कि बहुत तेजी से जब से आपको यानी यशस्विनी को टिकट मिला है ये चर्चा करने लगे, संजय सेठ के खिलाफ कांग्रेस ने एक बच्ची को उतार दिया है, वॉक ओवर दे दिया है, इस सवाल का क्या जवाब है आपका?
देखिए पहले तो लोग कहते हैं कि युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को जुड़ना चाहिए, फिर जब कांग्रेस पार्टी एक राइट डिसीजन लेती है और एक राइट स्टेप लेती है एक नए डायरेक्शन में, तो आई थिंक अगर लोग मुझे सपोर्ट दें, मेरे एल्डर्स जो हैं यहाँ पे, जो मेरे गार्जियंस हैं रांची में, वो मुझे ब्लेसिंग्स दें, मैं हो सकता है छोटी हूँ, मैं ये बात मानती हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं ये भी बात मानती हूँ, पर अगर मुझ जैसे को कभी मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर हम युवा आगे कैसे बढ़ेंगे, ये भी तो बात है। आज की राजनीति में एक नया ट्रेंड भी आ गया है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं सुनीता केजरीवाल जी, कल्पना सोरेन जी, कई ऐसी महिला हैं जो संघर्ष कर रही हैं राजनीति में, आप इस दौर में इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए स्त्री शक्ति बहुत जरूरी है और मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं ये भी बात मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो स्त्री शक्ति होती है उसकी हम पूजा तो करते हैं, हम उसकी प्रार्थना तो करते हैं, बट अब मौका मिला है तो अगर जो लोग मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर कि मैं बच्ची हूं और मैं मतलब महिलाओं को अगर इतना मुश्किल दौर में जाना पड़ रहा है तो सपोर्ट करिए, हमारे यही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ के जो पुरुष हैं वो हमारे साथ खड़े हों, हमें ऊपर बढ़ाएं, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल इसी में कि जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है, राजनीति में बहुत संघर्ष भी होता है और चुनाव के दौरान तो सुबह से लेकर रात तक पसीना क्षेत्र में, और जिस तरह की गर्मी है अभी तापमान और बढ़ने वाला चढ़ने वाला, यशस्विनी जो अब तक घर में थी, घर की दहलीज के बाहर कैसे फ्रेश कर पाएंगे इस तपती हुई गर्मी को? जी लोग यही नहीं समझते हैं कि मैं कोर्ट में काम करती हूँ जहाँ पे ना एयर कंडीशनिंग होती है ना कुछ होता है, और मैं तो हाई कोर्ट तक भी उतना काम नहीं करती हूँ, मेरा ज्यादातर केस लड़ा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोग आते हैं वो यहाँ के ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही होते हैं, कोर्ट की जॉब सिचुएशंस भी देख रहे हैं, वो जैसी होती है वहाँ पे भी पंखे में ही रहती हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मी और धूप का कोई बात ही नहीं है, मेरा हमेशा से बाहर रहना हुआ। तो सुन रहे थे यशस्विनी सहाय, बेबाकी से हर सवाल का जवाब दे रही हैं, इस नाम के साथ एक बड़ा नाम सुबोधकांत सहाय का भी जुड़ा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान में जब यशस्विनी लोगों के बीच होंगी तो किस तरह से डटकर मुकाबला करती हैं और परिणाम को किस तरह से अपने पक्ष में तब्दील कर पाती हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।